ओम साई राम, हर हर महादेव। आज का रात्रि संदेश। जिंदगी एक चक्रव्यूह की तरह है, जितना हम इससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं उतना ही उलझते चले जाते हैं। आज हर इंसान इतना व्यस्त हो चुका है कि उसके पास किसी के लिए समय ही नहीं है। हर किसी के हाथ में एक छोटा सा टूल नज़र आता है जिसे कहते हैं मोबाइल। इस मोबाइल ने हमारी जीवन प्रक्रिया को हर तरह से प्रभावित कर दिया है। हर इंसान अपने मोबाइल में ही व्यस्त है, किसी की कोई अहमियत नहीं है। रिश्तों की अहमियत कम हो रही है, रिश्तों में दूरियां पैदा हो रही हैं। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई साथ है या नहीं, सिर्फ अपना मोबाइल फ़ोन साथ होना चाहिए। इस मोबाइल फ़ोन ने हमारी ज़िंदगी की हर प्रतिक्रिया को हर तरह से प्रभावित किया है। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार इसलिए किया गया था कि जिससे इंसान अपने मुश्किल कामों को आसान बना सके, लेकिन आज मोबाइल एक बीमारी की तरह बन चुका है जो इंसान को शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर कर रहा है। इंसान की रिश्तों में दूरियां पैदा होने लगी हैं, किसी के पास किसी के लिए वक्त ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ोन में ही व्यस्त हैं। हम छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन पकड़ा देते हैं और बहुत खुश होते हैं उन्हें देखकर कि वो कितने अच्छे से, कितनी जल्दी जल्दी मोबाइल फ़ोन चलाना सीख जाते हैं। ये एक बीमारी है, इसे अपने बच्चों से दूर रखिए। ये बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास दोनों को नुकसान पहुंचाती है। सोचने समझने की क्षमता को कम करती है। मोबाइल फ़ोन से अगर हम उसका सही इस्तेमाल करें तो बहुत कुछ नया सीखा जा सकता है, बहुत मुश्किलों को आसान किया जा सकता है, लेकिन इसका गलत उपयोग हमारे पूरे जीवन को बर्बाद कर सकता है। शारीरिक और मानसिक तौर पर इंसान बहुत कमज़ोर हो रहा है, सोचने समझने की क्षमता कम हो रही है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन से जो हानिकारक किरणें हमारे दिमाग तक पहुंचती हैं वो हमारे दिमाग को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए एक निर्धारित समय होना चाहिए अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन पूरा दिन जो इंसान मोबाइल फ़ोन में ही लगा रहता है तो वो शारीरिक और मानसिक तौर पर बहुत कमज़ोर हो जाता है, बहुत अकेला हो जाता है, क्योंकि उस इंसान को एक ऐसी लत लग जाती है कि वो अकेला रहना ही पसंद करता है। नहीं चाहिए उसे किसी का साथ, उसे किसी के साथ की ज़रूरत नहीं होती, वह अकेला रहना ही पसंद करता है। इसलिए रिश्तों में बहुत दूरियां पैदा हो गई हैं, बहुत तनाव पैदा हो गए हैं। अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन इसके गलत इस्तेमाल से हमारा पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाता है। हम भगवान से भी बहुत दूर हो चुके हैं, क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं है उस मालिक का नाम जाप करने के लिए। हम जब भी ध्यान करने बैठते हैं तो हमारा मन यहाँ वहाँ भटकता है, क्योंकि हमारा मन शांत ही नहीं है। जब तक मन शांत नहीं होगा तो उस मालिक का नाम कैसे जाप कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें पूरा दिन फ़ोन के साथ छोड़ दिया जाए तो हम बिना रुके, बिना सोए पूरा दिन उस फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन भगवान का नाम कुछ पल के लिए भी नहीं ले सकते, क्योंकि हम ऐसा चाहते ही नहीं हैं। हम इस बाहरी मोहमाया में इतने उलझ चुके हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने शारीरिक सुख का ही ध्यान है, लेकिन शारीरिक सुख से बड़ा सुख है आत्मिक सुख। जब इंसान को आत्मिक सुख का अनुभव होता है तो वो शारीरिक सुख को भूल जाता है। इसलिए खुद को इतना व्यस्त भी मत रखिए कि उस मालिक के लिए समय ही ना हो। जिस उद्देश्य से हमारा जन्म हुआ है उस परमात्मा को हमेशा ध्यान रखें, उन्हें हमेशा याद करते रहें। जब आपके पास समय हो सोते जागते उठते बैठते लेकिन उस ईश्वर का नाम ज़रूर जपना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। और जितना हो सके अपने बच्चों को इस बीमारी से दूर रखिए, क्योंकि ये बीमारी लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है। और जब ये बीमारी किसी को लग जाती है तो वो चाहकर भी इसे छोड़ नहीं पाता है। इसलिए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए और अच्छी परवरिश दीजिए।
अच्छे संस्कार और अच्छी परवरिश से ही इंसान की पहचान होती है और परवरिश से ही इंसान के घर परिवार के संस्कारों का पता चलता है। इसलिए अपने बच्चों को कुछ दे सकें या ना दे सकें, लेकिन अच्छी परवरिश और अच्छे संस्कार ज़रूर दीजिएगा तो वो जीवन में ज़रूर आगे बढ़ पाएंगे और कामयाबी हासिल कर पाएंगे। अगर आज आप प्रेम और संस्कारों का पौधा लगाते हैं तो वो वक्त के साथ एक बड़ा पेड़ बन जाएगा और जीवन भर आपको ठंडी छाया देता रहेगा, जो आपको सदैव सुख देगा, कभी कोई दुख नहीं देगा। लेकिन अगर आज हम अपने बच्चों को संस्कार और अच्छी परवरिश ना दे पाए तो हम एक ऐसे कांटों का बीज बो देंगे वो जीवन भर हमें चुभते रहेंगे और इस चुभन का अनुभव हमें जीवन भर भोगना होगा। इसलिए अपने बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार और अच्छी परवरिश दीजिए ताकि वो जीवन भर आपको सुख दे सके और उस परमात्मा का हमेशा ध्यान करते रहिए। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साईं राम, हर हर महादेव। शुभ रात्रि मेरे बच्चों।